What's up guys, this is Apex Gamer and today I am back with the another new surprise video. तो guys आज की जो episode है बहुत ही interesting होने जा रही है. guys सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कल मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था जी होटल पे और हम दोनों पी रहे थे बड़े मजे के साथ चाय पी रहे थे और साथ ही साथ ना आज GTA 5 गेम की वीडियो से रिलेटेड और GTA 5 गेम से रिलेटेड जो डिस्कशन चल रही थी हम दोनों के दरमियान तो मैंने उसको बोला यार ये जो गेम है मैं तकरीबन 10 साल से खेल और अब ना इस गेम को खेल खेल के मैं बोर हो गया हूँ क्योंकि इस गेम को मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया है और हम दोनों जो है बचपन से पहले तो ये सीन था कि तकरीबन 5 साल हम इस गेम को ऑफलाइन खेलते रहे और बाद में ये सीन हुआ कि इसका ऑनलाइन जो है ना वर्जन आ गया था फिर हमने इसका स्टोरी मोड ऑनलाइन और बाकी मिशन वगैरह जो भी है हमने मतलब कि बहुत इंजॉय किया इस गेम को वो इंजॉय सो मच इस गेम. मैंने इसको बोला अपने दोस्त को बोला कि यार इस गेम को तकरीबन मैं 10 साल से खेल रहा हूँ और अब मैं और हो गया हूँ ना. तो जैसे ही गाइस मैं घर पहुंचा तकरीबन 10-1 बजे में घर पहुंचा मैंने ट्विटर ओपन किया तो रॉकस्टार वालों की जानिब से ऑफिशियली उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि नेक्स्ट मंथ मार्क द 25 एनिवर्सरी ऑफ रॉकस्टार गेम. मतलब कि पहले उन्होंने बात की जी अपनी एनिवर्सरी के बारे में कि 25 एनिवर्सरी जो है ना रॉकस्टार गेम की आ रही है. सबसे पहले मैं गाइस आपको बता दूं कि रॉकस्टार है क्या. बेसिकली रॉकस्टार जो है ना वो एक अमेरिकन वीडियो गेम पब्लिशर है और इसका जो बेस कैंप है बेसिकली मतलब कि ये जो कंपनी ये लाइज करती है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अमेरिका में और ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि गेम डेवलपमेंट कंपनी है ये और गेम्स वगैरह ये बनाती है ना. और ये तकरीबन बनी थी इसकी जो फाउंडिंग डेट है वो तकरीबन दिसंबर 1998 को ये मतलब कि कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी. तो इनकी गेम्स जो है ना बहुत ज्यादा इनकी गेम्स अच्छी अच्छी वीडियो गेम्स आई हैं जिनमें से GTA Vice City गेम जो है वो मैंने बहुत ज्यादा खेली है. सबसे पहला वर्जन जो इसका गाइस आया था वो आया था जी ग्रैंड थिफ्ट ऑटो 2003 में आया था वो. उसके बाद GTA San Andreas आई थी मेरे ख्याल से 2004 में आई थी GTA San Andreas. उसके बाद 2006 में इनकी आई थी GTA Vice City. सबसे कमाल की गेम मतलब कि जो इन्होंने लॉन्च की थी जिससे रॉकस्टार जो है मतलब कि आप कह सकते हैं उठा भी है तो वो मतलब गेम आई थी जी GTA Vice City 2006 में. उसके बाद GTA 4 आई है वो भी बहुत वायरल हुई है 2009 में. और सबसे ज्यादा जो गेम जिसके ऊपर इन्होंने तकरीबन बिलियन ऑफ डॉलर जो इन्वेस्ट भी किए हैं वो आई थी GTA 5 गेम तकरीबन 2013 में आई थी. तो अभी 10 साल हो गए हैं जी मतलब कि इन्होंने कोई गेम लॉन्च नहीं की. तो रॉकस्टार ने जो है ऑफिशियली जो है उन्होंने कह दिया है कि हम जो है GTA 6 का ट्रेलर जो है ना दिसंबर में हम लॉन्च कर रहे हैं जी. मतलब कि इसकी कुछ पिक्चर वगैरह इसके कुछ शॉर्ट क्लिप्स वगैरह जो है ना वो इंशाल्लाह दिसंबर को हमें अर्ली दिसंबर में हमें देखने को मिल जाएंगे. रॉकस्टार ने ऑफिशियली ट्वीट किया कि वी आर वेरी एक्साइटेड टू लेट यू नो दैट इन अर्ली दिसंबर वी विल रिलीज द फर्स्ट ट्रेलर फॉर द नेक्स्ट ग्रैंड थेफ्ट ऑटो. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you. ये सैम हाउसर जो है इनके गेम डेवलपर हैं एक बहुत ही बड़े. तो उन्होंने ऑफिशियली ट्वीट किया है रॉकस्टार कि हम जो है नेक्स्ट मंथ जो है ना इस गेम का ट्रेलर जो है ना वो मतलब के लॉन्च कर रहे हैं. तो मैं तो गाइस मैंने जैसे ये ट्वीट मैंने देखी मैं तो बहुत ही ज्यादा सबसे पहले ना एक्साइटेड हुआ और इसके मैंने स्क्रीनशॉट लिए और मैंने अपने टिकटॉक ऑफिशियल पेज के ऊपर इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे मैंने दोस्तों के साथ शेयर किए. अब ये गाइस बात आती है कि GTA 6 गेम है वो GTA 5 गेम से कितनी डिफरेंट होगी. सबसे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस है ना कि GTA 6 गेम के जो ग्राफिक है एज कम्पेयर टू GTA 5 गेम के साथ अगर कंपेयर किया जाए आने वाले टाइम में जब आ जाएगी तो वो उसके ग्राफिक बहुत ही उम्दा होने वाले हैं. और साथ ही साथ GTA 6 गेम को चलाने के लिए आपके पास एक अच्छा गेमिंग पीसी होना जरूरी है अच्छा गेमिंग लैपटॉप होना जरूरी है. कम से कम 6 GB का कार्ड होगा तो आपकी गेम अच्छी चलेगी. खैर अभी उन्होंने इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह बताई तो नहीं है लेकिन जो मेरा ओपिनियन है उसके मुताबिक जो है ना गेम बहुत ही मतलब की आला क्वालिटी की होने जा रही है GTA 6. तो इसका दिसंबर में ट्रेलर आज. तो ये थी गाइस रॉकस्टार की तरफ से न्यू अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है. तो GTA 6 गेम
का किस किस बंदे को इंतजार है, कौन कौन जो है ना GTA 6 गेम का इंतजार किया कर रहा है, वेट कर रहा है, जल्दी से कमेंट में बताओ। मैं भी यार बहुत बेताबी से इसका वेट कर रहा हूँ, कब आएगी ये। तो इंशाल्लाह ट्रेलर तो बहुत जल्द आ रहा है, लेकिन गेम मेरे ख्याल से 2024-25 में ही आएगी। तो इस तरह की गेम से रिलेटेड न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो भी लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।